हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे हैं। मिले रिदम से हैप्पी बर्थडे प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के और एक ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, टाइम जो अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो आज का ब्लॉग जो है हम 3 बजे से शुरू कर रहे हैं। आज सुबह से जो है हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया, तो सुबह से जो है हमने इसलिए ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया। सुबह जो था मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा, तो इस कारण जो है हमारी फोन पे बैटरी भी नहीं थी। और हमने कल की वीडियो भी जो है 2 की 2:30 बजे अपलोड की, आज बहुत ही लेट हो गए। तो दिन के लंच के बाद से जो है मौसम थोड़ा सा खुल गया था, इससे जो है बैटरी चार्ज हो गया, हमारा फोन भी चार्ज हो गया। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं, फिर से मौसम जो है खराब होना शुरू हो गया है। पहाड़ पहाड़ से जो है बादल निकल रहे हैं। दिखाते हैं आपको आज का मौसम। अब से जो है हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती रहेगी, फोन का चार्ज नहीं होना, सिग्नल नहीं होना कभी तो यहाँ पे। अब सर्दियों में तो ऐसा ही रहेगा मैक्सिमम, है ना। तो हमें तो खुद भी परेशान है कि सर्दियों पे जो है 3 से 4 दिन तक सिग्नल नहीं होती, लाइट नहीं होती है, तो बहुत ही दिक्कत होगी हमें। इसलिए जो है हमारा वीडियो आज लेट बना रहे हैं हम। आज कल जो है हमारा स्टेप का एक चैम्बर रह गया था, तो हमने सुबह उधर पानी दे दिया था, और अभी जो है हम स्टेप से नीचे इस तरफ को पानी दे रहे हैं। ये देखिए, स्कूल से आ रहा है पानी ऊपर से और यहाँ से नीचे की तरफ सभी पेड़ों में। देखिए भीगे हुए तौलिए कितने अच्छे लगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं काम, मिलते रहेंगे आप सभी से। शाम का टाइम हो गया है, पूजा अभी लगी है कपड़े धोने के लिए। रिदम अपना पजामा धो रहा है। तो दोस्तों देखिए, शाम की बस भी आ चुकी है। ये रामपुर से काजा के लिए लगी हुई है, ये बस सरकारी बस है, काफ़ी तेज चलते हैं। शाम को 4:30 बजे आती है ये बस। धुल गए मेरे कपड़े, आज के ही कपड़े, कल के लिए भी थोड़े से रह गए, अब जाती हूँ सुखाने। तो दोस्तों, आप जो ये झंडा देख रहे होंगे, ये झंडा कोई नॉर्मल झंडा नहीं है। बुद्धिस्ट कल्चर में जो है इस झंडे को जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, बुद्धिस्ट का झंडा है ये। तो इसमें जो है दोस्तों एक ख़ास बात बताते हैं आपको। तो इसमें जो देखिए, ये खाली रंग नहीं है इसमें कलर, और इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है मंत्र लिखे गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये जो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जितना सुना है ना, तो ये जो घोड़ा देख रहे हैं ना आप, ये घोड़ा जो है शांति का प्रतीक होता है, बोलो इनका ना, शांति फैलाते हैं ये। तो ये जो झंडा है दोस्तों, इसके आसपास जो है बिल्कुल भी गंदगी नहीं मानी जाती है। अगर कोई भी इंसान ना इस झंडे के आसपास अगर गंदगी करता है ना, तो उसे जो है कुछ ना कुछ अलग सी बीमारी लग जाती है, मतलब बीमार हो जाता है वो आदमी ना। तो जैसे कि हस्बैंड जी आप लोगों को यहाँ का झंडा दिखा रहे थे, बुद्धिस्ट झंडा, तो दिखा दिया। तो ये बुद्धिस्ट झंडे को ऐसे ऐसे जगह पे लगाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बड़े बड़े ढांक जहाँ से पत्थर गिरते हैं, और जितने भी यहाँ पे खतरनाक खतरनाक जगह है, उन जगहों पे जो है यहाँ का बुद्धिस्ट झंडा लगाया जाता है। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और कपड़े धोने के लिए मुझे इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ का बहुत ही ठंडा पानी है, और साबुन नहीं लग रहा था आज कपड़ों पे, इसलिए लेट हो गई। चलते हैं घर, चाय बनाऊंगे, चाय पीएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं हम आगे। तो रिदु तो नहीं पीगा अभी, इसको दूध वाला चाय पीना है। तो दोस्तों बन गई है चाय, पी लेते हैं अब चाय।
पी लेती हूँ मैं फटाफट चाय। मुझे जो है पार जाना है चैम्बर के पास सड़क पे, घर का थोड़ा सा सामान खत्म हो गया था और आज जो है काफी दिन के बाद जो है हमने चिकन नहीं खाया था, तो आज हमारा बहुत ही चिकन खाने का मन कर रहा है, तो चिकन मंगवाया है बहन से, तो जाती हूँ पार सामान लेने। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गई हूँ, मैं गई थी उजाले पे आई अंधेरे पे क्योंकि बहन से काफी टाइम के बाद मिली थी तो उससे बात कर रही थी। तो दिखाती हूँ क्या लाई हूँ सामान। तो ये जो है 5 महीने के बाद यहाँ की दुकान पे दही आया छोटा सा डब्बा, कल कड़ी बनाऊंगी, और ये रिदम के लिए ग्रीसलेन, इस पे टमाटर है, और रिदू के लिए चिज्जी है, लो रिदू चॉकलेट, और ये और लॉलीपॉप है, और एक सर इसपे भी टमाटर है, ये आपके लिए बिस्किट, एक रिफाइंड और मार्चेस। हमारे घर पे आज एक भी मार्चेस नहीं था, और दिन में खाना बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ, मार्चेस की तिल्ली बड़ी मुश्किल से ढूंढ के जो है हमारा लंच आज दिन में 2 बजे बना था, गुलाब जल, वो गुलाब जल है, और 200 का चिकन, और ये है चप्पल, मेरे पास घर पे लगाने के लिए चप्पल नहीं था, तो ये चप्पल, इतना ही सामान लाए आज। तो दोस्तों शाम के अभी बज रहे हैं 7:30, अब मैं बनाती हूँ खाना, तो बीच बीच में दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं चिकन। तो देखिए दोस्तों मैंने चिकन को अच्छे से तेल पे तल दिए हैं और ये पूरे अच्छे से तल गए हैं, अब करूँगी चिकन के लिए मसाला तैयार। तो देखिए चिकन के लिए मैंने मसाला भी तैयार कर दिया है और मसाले अच्छे से तैयार हो गए हैं, अब इसमें डालूंगी चिकन को, अब इसको पकाऊंगी मैं चिकन और मसाले को 10 मिनट, फिर हो जाएगा मेरा चिकन तैयार। अब मिलूंगी आप सभी से सीधा खाना बनाने के बाद। और ये यहाँ पर देख रहा है कार्टून। तो दोस्तों खाना कर दिया है तैयार, पूजा ने एकदम बढ़िया से आज जो चिकन बनाया है जी। देखिए कैसे बनाया है, ये हमारा चावल, ये हमारा चिकन, कैसे बनाएगा, अच्छा बनाएगा, अच्छे बनाती हूँ ना। और यहाँ नींद आ रही है रिदम को, फोन ले लिया था हाथ से तो नींद लग गया इसको। तो देखते दोस्तों खाके कैसा बना है, बहुत टेस्टी बनाया हमेशा ऐसे टेस्टी बनाते, तल के बनाते ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो खाते हैं खाना फिर मिलते हैं। तो दोस्तों टाइम जो अभी रात के 10 बज रहे हैं, खाना पीना भी हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा बनाया था आज पूजा ने खाना, आज क्या हमेशा बनाती है खाना तो अच्छा था। हम मसाला का कुछ भी यूज नहीं करते, सिंपल खाना खाते, बहुत ही अच्छा होता है। माँ जी नमस्ते, आपसे बातें करके माँ जी हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हसबैंड जी को बताया मैंने कि माँ जी का फोन आया था और बातें हुई हमारी, तो हसबैंड जी भी बहुत खुश है, तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ। तो एक माँ जी है जो कि बनारस के रहने वाले हैं, आज ही हमें पता लगा कि वो जो है बनारस से हैं, तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे इंसान है, तो उन्होंने जो है आज कॉल किया हुआ था पूजा को, तो पूजा ने बात की तो बहुत ही ज्यादा खुशी आज पूजा। हाँ जी बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा। तो आप तो सभी हमारे यूट्यूबर्स फैमिली हो, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, माँ जी से बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि बनारस इतना दूर है, बट मेरे हस्बैंड जी ने बताया कि बहुत ही दूर है। तो और दोस्तों जैसे कि हमें कई कमेंट आते हैं, जैसे कि हमें कमेंट किया था राम लबाया खोखर, उनका नाम है पता नहीं, हम पता नहीं है सिस्टर जी की है कि भाई जी है ना, हाँ जी, तो उनका नाम कुछ ऐसा है, पढ़ने में ज़रा गलती होगी तो माफ़ी चाहेंगे हम। तो हमसे मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि अगर आपको कोई चीज़ या कुछ भेजना हो तो कैसे भेजें, तो और भी कई सारे कमेंट आते हैं कि आपके मतलब आपकी जगह पर जो है कैसे हम कुछ भेज सकते हैं आपके लिए। तो हम आपको बता दें हम जो है काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब यहाँ पर मतलब बहुत कम सुविधा है ऐसे ना, अगर कोई कुछ भेजना चाहता है और या कुछ मंगवाना चाहता है तो बहुत ही कम सुविधा है यहाँ, ऑनलाइन सामान भी कुछ आता नहीं है, तो मतलब बैकवर्ड इलाका है एक हिसाब से ना। तो फिर भी हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों का जो इतना प्यार और इतना जो सपोर्ट मिल रहा है हमें, तो वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, मतलब कि आप बता नहीं सकते हम आपको कैसे धन्यवाद करें आप सभी का, तो हमारे लिए जो वही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो एक दिन तो हमें जो है
इंस्टाग्राम में भी मतलब मैसेज कर रहे थे, एक भाई जी थे तो उनका नाम हमें पता नहीं है, तो मैसेज कर रहे थे कि आपकी वीडियो जो है हमारी मिसेज जो है रोज़ देखती हैं, तो हम आपकी जो है हेल्प करना चाहते हैं, तो कुछ पैसा भेजना चाहते हैं। तो मतलब हमने उनसे बात की इंस्टाग्राम में, तो बहुत ही अच्छे इंसान थे वो भी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, जो उन्होंने हमारे बारे में जो है इतना सोचा, तो हमें जो है बहुत अच्छा लगा। आपको जो है दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो बस हमारे लिए जो है आपका प्यार और सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम बहुत खुशी से ना। हाँ जी, जो आप सभी हमारे इतने अच्छे से वीडियोस देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो कि हमें कैसे सामान भेजे, बस आप हमारे वीडियो देखते हैं और हमें अपना फुल सपोर्ट करना, इतना ही हमारे लिए बहुत है। तो आज का वीडियो हमारा यही था, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।